I just call to say I love you. बड़ा खूबसूरत गाना गाया आपने इंग्लिश में. अच्छा चार में ये बताएं. जी. अपनी फैमिली के बारे में बताएं, आपके कितने बच्चे हैं और कितनी शादियां की हैं आपने? जी ये रह दे चाचा, प्लीज़ रह दे. सबका ये पूछना था कि चाँद भाई ने तमाम इंटरव्यूज में अपनी सारी ज़िंदगी के बारे में तो बता दिया, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि उनके जो बालों का इतना खूबसूरत यूनिक स्टाइल है, इतने लंबे खूबसूरत चमकीले बाल हैं, तो ये आप इनके ऊपर क्या लगाते? तेल हर तीसरे दिन रात को तेल जी लगा के सोता हूँ, तो फिर पूरी रात तेल जी लगा जी रहता है. डेली नहाना है, आपके बाल मेरी तरह जी लंबे हो जाएंगे. कोई छोटा लोटा कोई बड़ा लोटा, बम बम बम, तू भी लोटा मैं भी लोटा, बम बम बम. अस्सलाम वालेकुम, करोड़ों दिलों की जान चाहत फतेह अली खान, ऑल द वे फ्रॉम लंदन. चाहत भाई, ईद से पहले हमारे कुछ लोगों ने सवालात सोशल मीडिया में पूछे और सबका ये पूछना था कि चाहत भाई ने तमाम इंटरव्यूज में अपनी सारी जिंदगी के बारे में तो बता दिया, लेकिन आज तक ये नहीं बताया कि उनके जो बालों का इतना खूबसूरत यूनिक स्टाइल है, इतने लंबे खूबसूरत चमकीले बाल हैं, तो ये आप इनके ऊपर क्या लगाते हैं? कोई क्रीमें लगाते हैं, तेल लगाते हैं, इनके ऊपर मालिश करते हैं, करवाते हैं? ये सिलसिला है कि आप इतने वसी और अरीज बाल हैं आपके, को डेढ़ फुट लंबे, कैसे इनको मैनेज करते हैं? जी सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने अपने आप को खुश रखना है और खाना टाइम पर खाना है और जी अच्छी वॉक करनी है लाजमी, ठीक है जी, और किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, ठीक है. तो डेली नहाना है और कम से कम 2 साल अपने बाल जी बढ़ने देने हैं, सिर्फ जी ट्रिमिंग जी किया करनी है, तो इंशाल्लाह ताला आपके बाल मेरी तरह जी लंबे हो जाएंगे. इनके ऊपर क्या लगाते हैं? मैं जी कुछ भी जी नहीं लगाता, लेकिन जब पाकिस्तान में मैं होता हूँ तो तेल हर तीसरे दिन रात को तेल जी लगा के सोता हूँ, तो फिर पूरी रात तेल जी लगा जी रहता है. अच्छा, तो तेल लगाता हूँ मस्टर्ड ऑयल, जी सरसों का तेल होता है जी, नॉर्मल तेल. जितना आप अपनी लाइफ को रिलैक्स करेंगे, जितना आप जी क्या कहते हैं नॉर्मल लाइफ की गुजारते, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा है. चीज़ ज़्यादा ये जो मेडिकल का जो सिलसिला है वो कोशिश करें कि जी कम जी इस्तेमाल करें. जो तो तेल लगाएं और अपने आप को बिल्कुल फ्रेश रखें, यही खूबसूरती कराएं. अच्छा चार भाई, ये बताएं कि आप के इंडिया में भी लोग बहुत फॉलोवर हैं, हम जहाँ पे यूके में देखते हैं बड़ी लंबी तादाद में इंडियंस फैन है, तो आज तक ऐसे हुआ किसी इंडियन प्रोड्यूसर ने आपसे रब्ता किया, उसने आपको बोला मेरे गानों में काम करो, मेरे ड्रामों में काम करो, और अगर ऑफर रही है तो किसने की है? अगर आज तक आपने ऑफर नहीं एक्सेप्ट की, उसकी वजह क्या थी? अब प्रोड्यूसर की तरफ से ऑफर नहीं आई, अलबत्त शोज की ऑफर्स माशाल्लाह जी 4 आ चुकी हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला, लेकिन मेरा पहला ख्वाब है कि मैं पाकिस्तान जी जाऊँ, उधर शोज करूँ, तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला जी सोचूंगा कि शायद उधर से इंडिया जी चला जाऊँ. अदरवाइज जी मिडिल ईस्ट में बहुत ही प्रमोटर जी कह रहे हैं कि आप इधर आएँ, अमेरिका कनाडा से कह रहे हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया से माशाल्लाह, लेकिन पहला मेरा जो प्यार है वो पाकिस्तान से है. अच्छा चाहत भाई, सुनने में आ रहा है कि आपका पाकिस्तान का दौरा अगले महीने मुतवक्को, जिसको अभी तक आपने सीक्रेट रखा हुआ है, जी तो आप डेट नहीं अनाउंस कर रहे, उसकी वजह बता दें. और ये भी सुनने में आया कि आप जो हमारे पाकिस्तान की बॉर्डर्स हैं वहाँ पर जाके फौजी जवानों के साथ खड़े होकर मिली नगमे भी गाएंगे, तो ये इसकी क्या हकीकत? जी माशाल्लाह, ये मेरे लिए काबिल इज़्ज़त की और फ़ख्र की बात होगी कि मैं अपने फौजी जवानों के साथ इंशाल्लाह ताला बॉर्डर के ऊपर जाके बिल्कुल जी गाऊंगा. जैसे देखें मैं कितना मुहब्बे वतन हूँ, मेरा पहला जो गाना मैंने रिलीज़ किया पिछले साल 14 अगस्त पे, वो माशाल्लाह अपनी मसाला अफवाज के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए किया था. ये जो झंडा है, ये जो आपका झंडा है, ये जो मेरा झंडा है, ये जो हम सब का झंडा है, ये जो प्यारा झंडा है, ये जो झंडा है, ये जो झंडा है, इसमें डंडा है, डंडा है, डंडा है, तो डंडा है जी, डंडा दादा जी लगाए
कि मैं आपसे और अपनी पाक सरजमीन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं सल्ला अफवाज से जो हमारी माशाल्लाह पाक पुलिस है मैं उनसे भी जी प्यार करता हूँ। बहुत जल्द पाक पुलिस के ऊपर भी माशाल्लाह मैं जी गाना ऑलरेडी लिखना शुरू हो गया हूँ जी। पाक पुलिस के नंबर भी आ गया, आर्मी के साथ तो गाएंगे, पाकिस्तान पुलिस के लिए भी आने वाले दिनों में गाएंगे माशाल्लाह। अच्छा चार भाई ये बताएं कि हमारे जो देखने वाले वो हमेशा एक सवाल पूछते हैं कि चाहत फतेह अली खान साहब ने उर्दू गाने तो बहुत गाए, अब पाकिस्तान में कुछ जनरेशन ऐसी है जिनको इंग्लिश समझ आती है जी जी। और वो इंग्लिश तो वो कोई आप उनके लिए कोई इंग्लिश गाना भी सुना दें क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने भी तो आपका इस्तेमाल करना है, तो कोई अच्छा सा इंग्लिश सॉन्ग तो सुना दें। देखिए जी मैं मुझे पिछले सात नहीं पिछले 2.5 साल से यंगस्टर जो मेरे चाहने वाले ट्विटर नहीं इंस्टाग्राम के ऊपर हैं वो मुझे अक्सर जी कहते हैं कि प्लीज़ अंकल हमारे लिए कोई जी रैप जी गाना जी गाए। मैंने उनको कहता आ रहा हूँ लेकिन इस समर में जुलाई अगस्त में रिलीज जी करूँगा एक रैप सॉन्ग जो मिक्स होगा इंग्लिश उर्दू पंजाबी का, ठीक है इंशाल्लाह ताला जी। लाइक उसका मैं थोड़ा सा जी पेस्ट जी कर देता हूँ। I just called to say उर्दू पंजाबी इंशाल्लाह ताला, और मुझे पता है कि जो मेरे टीनेजर्स हैं दे विल लव दिस सॉन्ग इंशाल्लाह। सर सॉरी सर बड़ा खूबसूरत गाना गाया आपने इंग्लिश में। अच्छा चार भाई ये बताएं जी 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 चांद भाई ये बताएं कि जो इस तरह की खूबसूरत आपकी आवाज़ है माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत गाते हैं, तो आपके घर वाले आपके गाने ज़्यादा उनको सुनते हैं आपको पर मुकम्मल? मेरे माशाल्लाह जी देख लें मेरा जी एक बेटा माशाल्लाह जी 10 साल का और एक बेटा मेरा जी 14 साल का है, उनके अंदर देखिए मैं उनको कुछ नहीं जी सिखा रहा लेकिन वो अभी से ही ना उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल जी बना लिए हैं। अच्छा अभी से तो उसके ऊपर जाके ना जैसे वो मुझे जी देखते हैं जी घर में कि मैं जब लाइव जाता हूँ टिकटॉक के ऊपर ट्विटर के ऊपर यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर मुझे देखते देखते उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल जी बना लिए ही इज़ ओनली 10 और जो बड़ा माशाल्लाह वो ही इज़ ओनली जी 14 ईयर्स ओल्ड। तो नहीं नहीं अब तो नहीं जी, ऑब्वियसली पहले जब मैं 8-8 घंटे जी रियाज करता था तो उनको थोड़ा सा महसूस जी होता था कि शायद मे बी ही इज़ वेस्टिंग टाइम, लेकिन नहीं अल्लाह का शुक्र मुझे पता था मेरी मंजिल है। अपनी फैमिली के बारे में बताएं, आपके कितने बच्चे हैं और कितनी शादियाँ की हैं आपने? बच्चों का तो नहीं बताया लेकिन उनका कहना है कि दुनिया के सब बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैं सब बच्चों को प्यार करता हूँ। अच्छा चाहे ये बताए कि जब आप पाकिस्तान लैंड होंगे तो कौन सा एयरपोर्ट यूज करेंगे, और जो हमारे साबिक वजीर आजम है नवाज शरीफ साहब उनका भी पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनना, तो अगर आप दोनों एक ही जहाज में हो तो आप अपने क्राउड को क्या कहेंगे कि वो किस सिमत में आ जाएं, क्योंकि उनका हजार भी चाहने वाले बहुत हैं, आपके भी बहुत हैं, तो आप एयरपोर्ट एक ही शेयर करेंगे अलग अलग क्योंकि ये कोई बीच में कुछ साधन न हो जाए? नहीं मैं कोशिश करूंगा अपने प्रमोटर से अच्छी एडवाइस लेके कि किस एयरपोर्ट पे जाना किस शहर में उतरना, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा प्रमोटर्स हैं हमारे जी कराची में प्रमोटर्स हैं जो लाहौर पंजाब में हैं उनसे पूछ के इंशाल्लाह ताला। तो आप एयरपोर्ट से काफिले की शक्ल में जाएंगे अपने घर या वैसे ही अकेले में निकलेंगे? नहीं मैं जी देखता हूँ, अगर तो मॉर्निंग की जी फ्लाइट हुई तो खामोशी से जी चला जाऊँगा इंशाल्लाह ताला, अदरवाइज लेकिन मेरे एक प्रमोटर हैं वो कह रहे हैं कि नहीं एयरपोर्ट के ऊपर ही हमने सारे मीडिया को इकट्ठे करना है, तो लेट्स सी जी क्या बनता है। एक है उनके सारे मीडिया को उधर एयरपोर्ट के ऊपर। अच्छा तो ये थे चाहत फतेह अली खान, बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरी दे रहे हैं कि मई के महीने में ये पाकिस्तान में होंगे, वहाँ पे ये सरप्राइज्ड
लैंडिंग करेंगे, बता नहीं जाए क्योंकि एयरपोर्ट में ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं, लोग इनके बड़े वहाँ पे मुंतजर हैं। तो पाकिस्तान की जो इस वक्त सिक्योरिटी की वजह से इनका कहना है कि मैं खामोशी से घर चला जाऊँगा ताकि एयरपोर्ट पर हल्ला गुल्ला ना हो, लेकिन बाद में ये पब्लिक में और स्ट्रीट्स में और इस तरह यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जी, जी, बड़े बड़े शोज करेंगे। आपको ऑफर तो काफ़ी आई होगी जी, 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 लेकिन शोज से पहले इंशाल्लाह ताला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करूँगा इंशाल्लाह ताला। वो एयरपोर्ट के ऊपर 50-50 चांस है एयरपोर्ट के ऊपर या इंशाल्लाह ताला जी किसी जी प्रेस क्लब में या होटल में इंशाल्लाह। सुनो जो टीवी है उसके नाज़रीन को क्या पैगाम देंगे, क्या सुनो टीवी का विजिट अपने पाकिस्तान जाते ही कर लेंगे या बाद में जाएंगे? इंशाल्लाह ताला जी मुझे आगे नजर की थी यही आ रहा है, लेकिन सबसे पहले सुनो टीवी जाऊंगे। मुझे पता है सभी टीवी वाले जी कह रहे हैं कि आपने हमारे पास आना है सबसे पहले किधर जाएंगे जी? सुनो टीवी पे। अच्छा आज चाचा भाई लास्ट में आप वो जो आपने वादा किया था कि चूंकि रमजान का महीना है तो आपने गाने गाने छोड़ दिए, तो आपने कहा था कि मैं शाह साहब ईद के फौरन बाद जो है ना वो गाना गाऊंगा, जो आपका एक नया गाना आया जिसकी बड़ी धूम है कमीज तरीका ली कभी पहन ली कभी उतार ली जी, जी, जी। वो इस तरह जो है वो गा के दिखा लीजिए। कमीज तेरी काली, कमीज तेरी काली। इंशाल्लाह ताला जी मई में एक और जी ट्रैक रिलीज हो रहा है जो पिछले 1.5-2 सालों से मैं जी गा रहा हूँ, वो है लोटा 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 बम बम बम। कोई छोटा लोटा कोई वड्डा लोटा बम बम बम, तू भी लोटा मैं भी लोटा बम बम बम। इंशाल्लाह ताला ये दोनों मेरे जी ट्रैक आ रहे हैं मई में और दो मैं रिलीज जी कर चुका हूँ ईद के खुशियों के मौके पर। इंशाल्लाह ताला एक वीक के अंदर मेरा आ रहा है तू चोर चोर मेरे दिल दा चोर, इंशाल्लाह ताला एक नई सुपर मॉडल के साथ जी। ये थे चाचा अली खान, लोटा लोटा भी आ रहा है, कमीज उतारी पहन ली वो भी आ रहा है और भी बहुत कुछ आ रहा है, और सबसे बड़ी बात ये खुद पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं जहाँ पे ये सारे शोज होंगे, ये सारे गाने लोग इनको लाइव देखेंगे। आज के प्रोग्राम में चाचा फतेह अली खान के साथ इतना ही। चाचा भाई एक दफा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें तो प्रोग्राम को खत्म करते हैं। पाकिस्तान ऑलवेज जिंदाबाद जिंदाबाद।